आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रोंग है। याद आने से पहले चले आई रे गामा गामा पा मा पा धा पा धा सा निसा रे। अब ग कोमल है सा गामा पा धा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे SKT ट्यून्स में और मैं संदीप ठाकुर आज इस ब्लॉकबस्टर सीरीज में आज एक नए राग के साथ आपके सामने आया हूं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सब्सक्राइब बाद में करना, पहले ये बात जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लीजिए कि मेरे चैनल का जो पर्पज़ है वो सिंपल है और क्लियर है कि आपको अगर देखो कई सालों मेहनत करनी है, 20-25 साल जो पुराने हमारे पुरातन संगीत पद्धति में होता था कि 20-25 साल आप रियाज करो, साल लगाओ, रागों को सीखो, तब जाकर आप कहीं एक सुगम गायक बन सकते हो या म्यूजिक की आप जानकारी रख सकते हो या नए तरह का म्यूजिक, लाइट म्यूजिक का क्योंकि मेरा चैनल है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हो और कम समय में ट्रिक के साथ, क्योंकि कहते हैं अभी AI का जमाना है, नया जमाना है, और अगर हम पुरानी ही चीज़ों को लेकर हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि कुछ साल पहले STD बूथ होते थे लेकिन उसके बाद मोबाइल CDMA में मोबाइल आए, फिर सिम कार्ड आ गए, फिर CDMA में मोबाइल भी साइड चले गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों का क्या पता चला, वो गायब हो गए। हालांकि वो लोग करोड़पति बनने का या सक्सेसफुल होने का एक सपना देखते थे। जिन लोगों ने समय के साथ चेंज किया वो आगे बढ़ गए और जो नहीं कर पाए वो पीछे रह गए। सेम उसी तरह से संगीत भी एक साधना ही है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ समय के साथ मुझे लगता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है वो वाकई में कहीं ना कहीं लागू हमें करनी पड़ती है। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं और आप इस चैनल पर ठहरे हो तो वाकई में आप संगीत से बहुत प्यार करते हो लाइक मी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको आती रहे। और बात करते हैं आज के राग की, वो है राग किरवानी। और किरवानी की मैं बात करूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट राग है। और इसके चलन की अगर बात करें आरोह अवरोह की, तो इसके सातों स्वर जाते वक्त सातों आते वक्त, यानी कि संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाती है। और इसका धैवत कोमल है और गांधार यानी कि ग और ध इसके कोमल है, बाकी सारे स्वर इसके शुद्ध है। तो इसके आरोह अवरोह एक बार बात कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ये मैं हमेशा बताता हूँ कि गाना अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो राग सीखने आसान हो जाएंगे, इसलिए हमेशा मेरी बात को नोट करना कि यहाँ पे कोई रागों के बारे में डिटेल में मैं बताने वाला तो नहीं हूँ। डिटेल के लिए आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, YouTube पे भी पड़ी है, लेकिन मैं आपको एक चलन बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आपको थोड़ी सी झलक पता होनी चाहिए राग के बारे में। एक आरोह अवरोह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आपने मेरा 9 दिनों में हारमोनियम और गाना दोनों सीखे वो वाले अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आरोह अवरोह किस तरह से है, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, तो ये आरोह अवरोह है। और इसका चलन का थोड़ा सा आप अगर इसको गौर करेंगे, सा रे ग म प ध प ध प ग सा रे, कुछ इस तरह से। अब ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका चलन है किस तरह से। या आरोह अवरोह आपको पता होगा कि 2 स्वर इसके कोमल है, तो वो आपको 1 क्लिक में आ जाएगा। वो कैसे, थोड़ा बहुत आपको देखो रियाज तो करना पड़ेगा, अलंकारों के साथ आप रियाज कीजिए, पहले शुद्ध में करना होता है, जैसे मैंने अलंकारों की वीडियो भी डाली है तो मेरे साथ साथ भी आप रियाज कर सकते हो, सुबह का रियाज और वोवल्स के बारे में भी वीडियोस है वो आप देख सकते हो। अब बात करें आप पहचानोगे कैसे, अब गाना आप तो सभी पुकारते हैं, भजन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैं उससे ही शुरुआत करूँगा क्योंकि बांकी बिहारी जी का और मीरा का भजन है तो उसको हम कैसे नहीं टच करेंगे यहाँ पे। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्स दीवानी। अब आपने इसका अंतरा सुना होगा मुखड़ा, जैसे राधा ने मधुवन में ढूंढा
मीरा ने मन में पाया, इसमें सरगम है सा गा मा पा धा। अब ग कोमल है देखो तो सीधा क्लियर हो रहा है, सा गा मा पा धा पा धा मा पा रे मा गा गर सनी धरे रे गा मा पा धा पा धा सा नी सा रे। तो ये कुछ मुश्किल नहीं होता जब आप थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करोगे, एक दो महीना जब आप इस जिस राग की मैं बात कर रहा हूँ खिलवानी या जो भी मैं राग आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ सुनना जरूरी है। रिम झिम गिरे सावन की सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, समझ रहे हो? अब आपको सीधा क्लियर हो रहा है, धा पा गा सारे। ये आपको ये बताने से तो देखो नहीं आती, हाँ जब आप साथ साथ में रियाज करोगे प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से आपको अंडरस्टैंड होगी। जैसे मैं शायर तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं। अब आगे तो आप समझ गए होंगे, इन गानों को आपने जरूर सुनना है और डायरी में भी आप नोट कर सकते हो। और आजकल वैसे भी ट्रेंड में है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, ये भी किरवानी में है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस गाने को सुनने में तो मुझे लग रहा है किसी को कोई परहेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो वैसे ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि आपकी सुनने की जो सेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए। मेरी कई बार जैसे लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम कैसे सीख सकते हैं, अगर मान के चलो हम सालों नहीं लगाना चाहते हैं किसी भी चीज में, कि अब इतना समय नहीं है और लगाना नहीं चाहते का ये मतलब नहीं है कि वो काम चोर है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट चाहिए लोगों को, जल्दी सक्सेस चाहिए। अरे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब वो उस टेक्निक से तो काम नहीं कर पाएंगे ना, अब मल्टीटास्कर का ये जमाना है। तो मुझे लगता है उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप जल्दी सीखना चाहते हो संगीत की, आपके सुनने की सेंस। क्योंकि मैं हर शख्स को ये बात बताता हूँ कि आप जितना सुनेंगे, जैसे हवा चल रही है अभी, सुनिए इसको, फील करना पड़ेगा इसको। और जब फील करेंगे फिर आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ यार ये तो मैंने सुना है, ये पानी की ध्वनि कल कल करती, ये पत्तों के हिलने की ये आवाज जो ये हवा से चल रही है, ये हवा गुजर रही है, जब आप इसको सुनेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि जिसने सालों लगाए हैं, राग सीखे हैं, बंदिशें सीखी है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो मायने नहीं रखता, आपके सुनने की क्षमता कितनी है, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। और उसको बढ़ाने के लिए आपको बार बार इन गानों को सुनिए यार, जो डेली लाइफ में हमारे आते हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि आपको वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी जिनमें आपको बताया जाएगा कि आप रागों को ही सीखो, लेकिन मैं रिकमेंड आपको सिर्फ उस चीज़ को करूँगा जो आपकी डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा, जिनके बारे में आप सोचते हो और जिन पे काम करते हो, अंडरस्टैंड। दोस्तों मोहम्मद अजीज जी का ये सॉन्ग है और वन ऑफ द बेस्ट है मेरा। मोहम्मद अजीज जी ने जितने भी सॉन्ग गाए हैं ना उनमें मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। दीपचंदी में है, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आजकल याद कुछ। तो ऐसे दोस्तों देखो गाने तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी एक वीडियो में देखो हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते,
उसके लिए अलग से वीडियो मैं आगे बनाऊंगा कि गाने कितने हैं, और एक अगर 10 मिनट की वीडियो है तो मुझे लगता है कि उसमें अगर मैं आपको 15 20 25 30 गाने बता सकूं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये सिर्फ आपको जानने के लिए और समझने के लिए है कि आप स्वरों को कैसे पहचाने और आप राग में कंफ्यूज ना रहें कि यार ये राग है तो मुझे सीखने के लिए शायद कहीं, अब मुझे एक राग के लिए जैसे कहते हैं कि आपको 6 महीने लगाने पड़ते हैं। हाँ, एकेडमी में जब हम भी जाते थे, हम भी किसी राग को सीखते थे, तो हालांकि हमें भी 6 महीने या 1 साल का समय लग जाता था, क्योंकि जैसे बड़े ख्याल में कोई चीज़ तैयार करनी है तो उसमें छोटे ख्याल में भी करनी है, फिर उसमें ताने करनी है, उसमें तराने, काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी, तो उनको करने में टाइम तो लगता है, नो डाउट। लेकिन हाँ, जब आप एक स्टेप आगे निकल जाते हो, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हो जो एक बिगिनर के लिए रहती है, तो आपको वन क्लिक में आ जाता है। आज अगर किसी भी छोटे ख्याल की मुझे ताने बनानी हो तो मुझे नहीं टाइम लगेगा। मुझे पता है कि अगर 12वीं मात्रा से उठ रहा है, 3 ताल की बंदिश है, तो मुझे 13वीं के बाद वो 12वीं पे कैसे ख़त्म करना है, उसके विभाग कितने होने वाले हैं, आप 1 ताल में करोगे, झपताल में करोगे, सबका पैटर्न सेम है। कहते हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो बात कही है ना, म्यूजिक इज मैथमेटिक्स, तो उनकी वो बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि म्यूजिक जो है ना वो मैथमेटिक्स है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात ले लीजिए, गिनती का काम है वो, कहीं ना कहीं काउंटिंग है, और काउंटिंग अगर आप स्ट्रांग है तो आप कोई भी, आप किसी भी तरह का क्लासिकल म्यूजिक है, चलो हालांकि लाइट म्यूजिक में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका कमेंट ही हमारे कंटेंट का निर्माता है, ये तो आपको पता ही, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में, और तब तक के लिए जय माता दी, जय सनातन।